गाइस माय न्यू ब्लॉग और काफ़ी दिनों के बाद में आए और ब्लॉग में बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो वैसे कुछ काम से आए थे, लास्ट में बताऊँगा मैं आपको। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ आना सागर झील। और अभी हम आए हैं, राहुल है, प्रांजल भैया है, कृष्ण भैया है और हमारे सर है। तो राहुल हाय कर दो। हाय भाई। हेलो ब्रदर। ये है नरसी भैया हमारे। हाय कर रहा क्या हुआ? नरसी भैया ये। तो अभी आना सागर झील पे हैं हम। प्रांजल भैया किसे हाय करवा? प्रांजल भैया हाय कर रहा। तो अभी यहाँ पे बस पास हमारे पीछे ये झील और दिखाते हैं। कराई कर दो। और मेरे सर है, सर है तो राहुल बोल रहा है कि सर से हाय करवाओ। अभी करवाएंगे सर से हाय। हम पहुंच चुके हैं आना सागर झील और यही बहुत बड़ी झील है और इसके बारे में अपने को नरसिंह भैया विस्तार से बताएंगे। और प्रांजल भैया है ये, तो प्रांजल भैया देखिए सब अपना काम कर रहे हैं। और राहुल है और ये है हमारे सर। सर हाय कर दो। सर आना सागर झील के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे। वो देखिए आना सागर झील यहाँ की राजस्थान की सबसे फेमस झील है, और राजस्थान ही नहीं राजस्थान के बाहर के विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। भारत के कई राज्यों से पर्यटक यहाँ आते हैं, जो कि राज्य सरकार की इनकम का एक बड़ा स्रोत है। और इसी वजह से अजमेर में आकर के और हम यहाँ का नज़ारा न देखें ये बहुत ही गलत होता। इसलिए हमने निर्णय लिया कि आना सागर ज़रूर जाएंगे। सर बहुत अच्छा निर्णय था और ये निर्णय अच्छा साबित हुआ। जो ये बच्चे हैं इनको आना सागर झील देखने का मौका मिला, जिस झील के बारे में ये लोगों से सुनते थे, पढ़ते थे किताबों में, और आज उसका जो विशाल जो दृश्य है, नज़ारा है, उसको देख करके ये बहुत खुश हैं। और इससे हमें पढ़ाई में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये है हमारे नरसिंह भैया, तो इनको देखते बहुत शुभकामनाएं, इसलिए कि परिवार को, तो कि आप उनके बच्चों को यहाँ पर एक बार खेलने में या खेलने के बाहर भी कुछ देखने का मौका मिला है उनके बच्चों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंद्रा नदी है, आपको बता दें इसका निर्माण अर्णो राजा ने करवाया था। चंद्रा नदी को रोक के चारों तरफ इसके बड़ी बड़ी ऊंचाई में पहाड़, तो पहाड़ों का जितना भी पानी आता है उसको रोक के यहाँ पर झील बनाई गई है। किसो किसो